नमस्कार। अपनी ईमानदारी, सामाजिक परोपकार की भावना और साफ नियत के लिए विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त दिन प्रतिदिन समाज में मानवता की नई मिसाल कायम करते जा रहे हैं। संत रामपाल जी के एक भक्त ने खोया हुआ पर्स वापस लौटाकर एक बार फिर दिया ईमानदारी का परिचय। और वहीं दूसरी ओर इंदौर में संत रामपाल जी महाराज जी के एक भक्त ने गलती से ट्रांसफर हुए रुपयों को वापस लौटाया। देखिए हमारी ये दोनों खास रिपोर्ट। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक व्यक्ति का खोया हुआ पर्स लौटाया। ये घटना दिनांक 1 अगस्त 2022 को शाम 5 बजे की है, जब जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भक्त सीताराम दास जी, जो कि एक ऑटो चालक हैं, अपने काम के लिए रिक्शा लेकर जा रहे थे। उसी बीच बाइक पर जा रहे एक अनजान शख्स का पर्स प्राइम सिटी सुखलिया में अचानक सड़क पर गिर गया। गिरा हुआ पर्स संत रामपाल जी के भक्त सीताराम दास जी को मिलने के बाद उनको पता चला कि इस पर्स के मालिक का नाम शैलेंद्र है। पर्स में 540 रुपए नगद, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात थे। लगातार खोज के बाद ढूंढते भक्त सीताराम दास जी ने उस पर्स को वेरीफाई करके उसके मालिक शैलेंद्र जी को हाथों हाथ लौटा दिया। भक्त सीताराम दास जी ने शैलेंद्र जी को कबीर परमेश्वर पुस्तक देते हुए कहा कि इंसानियत का ये परिचय और कर्तव्य हमें हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी शशांक दास जी ने भी पेश की मानवता की मिसाल। शशांक दास पेशे से न्यू कटियार हार्डवेयर स्टोर को चलाते हैं। एक वीरभान नाम का व्यक्ति जो कि कार वॉश का शोरूम ओपन कर रहा है, इन्होंने शॉप पर ग्राहक को अकाउंट में 3000 रुपए ट्रांसफर करने चाहे, लेकिन स्कैन गलत होने की वजह से शशांक दास जी के अकाउंट में 3000 रुपए गलती से आ गए। शशांक दास जी ने वीरभान जी से संपर्क किया और उनके कहने पर अकाउंट में 3000 रुपए वापस ट्रांसफर कर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। चारों तरफ चल रही लूट खसोट की खबरों के बीच इस तरह की ईमानदारी दिखाने वाली खबरों से ये साबित हो जाता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।